हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में ऑल इन वन नॉलेज। कल वर्ल्ड कप में एक बहुत ही शानदार मुकाबला है जो कि खेला जाएगा बर्मिंगहम में, और ये वर्ल्ड कप का 40th मैच है जो कि खेला जाएगा भारत बनाम बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश जिनके अभी भी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में बनने की जो उम्मीद है वो बरकरार है। अगर वो भारत के साथ कल का मुकाबला जीतते हैं तो उनकी पोजीशन फिर भी सेफ रहेंगी, तो उनको दूसरे मैच के ऊपर डिपेंड रहना होगा। और भारत की बात की जाए तो उनका प्रीवियस मैच जो था इंग्लैंड के साथ वो भारत हार चुका है, लेकिन भारत का जो परफॉर्मेंस है अभी तक इस टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार रहा है। भारत ने अभी तक खेले हुए मैचों में 5 मैच जीते हैं और 1 मैच उन्होंने हारी है, तो भारत का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार रहा है अभी तक इस टूर्नामेंट में। तो भारत चाहेगा कि कल की मैच जीत के वो सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की बना ले। तो कल का जो मैच है वो वहाँ के लोकल टाइम के अनुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा और यही मुकाबला भारत में दोपहर को 3 बजे शुरू होगा। आइए नज़र डालते हैं कि कैसा है वेदर कल के मैच में लिए। तो जो वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट है बर्मिंगहम का, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि कल का जो वेदर है वो थोड़ा सा कूल रहेगा, जिससे स्विंग बॉलर्स को उसकी हेल्प मिल सकती है। हालांकि ये जो पिच है जो कि भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में जो मुकाबला हुआ था वैसे ही पिच कल के मैच के लिए है, जो कि एक अच्छा बैटिंग ट्रैक है। हालांकि इस विकेट पे स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी, लेकिन भारत के स्पिनर्स को आपने देखा होगा कि कितना एक ज़्यादा स्कोर मारा था अंग्रेज़ी बल्लेबाजों ने, जेसन रॉय और जॉनी बेस्टो ने, तो बट फिर भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये विकेट स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल हो। हालांकि दोनों टीमों में अच्छे स्पिनर्स है, जहाँ तक भारत की बात की जाए तो युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव है, और दूसरी जगह देखा जाए तो बांग्लादेश में भी शाकिब उल हसन है, मेहदी हसन है, मोसद्देक है, तो अच्छा बॉलिंग क्वालिटी अटैक दोनों के पास है, जहां पर दोनों टीमों के अच्छे अच्छे स्पिनर्स हैं। अब बात करते हैं टीम परफॉर्मेंस की, अभी तक इस वर्ल्ड कप में कैसा रहा है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि भारत ने अभी तक इस टूर्नामेंट में 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 5 मुकाबले जीते हैं। एक मुकाबला जो कि प्रीवियस मुकाबला था इंग्लैंड के साथ, वो भारत हार चुका है, और एक मुकाबला है जो भारत का अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो कि बारिश की वजह से कैंसिल हो गया था। और जहाँ तक बांग्लादेश की बात की जाए, बांग्लादेश ने भी अपने 7 मुकाबले में 3 मुकाबले उन्होंने जीते हैं, 3 मुकाबले उन्होंने हारे हैं, और एक मुकाबला जो कि उनका बारिश की वजह से कैंसिल हो गया था। अब नज़र डाल दें कि क्या पॉसिबल रिप्लेसमेंट होगी इन टीम इंडिया। हालांकि टीम इंडिया प्रीवियस मैच में हार गई थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट का कहना है कि हम उसी जो हमारा 11 प्लेयर का जो स्क्वाड था अगेंस्ट इंग्लैंड, उसी के साथ हम कायम रहेंगे, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भारतीय टीम में कोई भी रिप्लेसमेंट ना हो। और अब बात करते हैं कि बांग्लादेश टीम में क्या रिप्लेसमेंट होगी। जहां तक बांग्लादेश टीम मैनेजमेंट का कहना है कि जो उनका प्रीवियस मैच में खेला हुआ 11 प्लेयर का जो स्क्वाड है वो उसी के साथ रहेंगे, इसका मतलब उनके टीम में कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होगी। अब नज़र डालते हैं कि कैसी है प्रोबेबल टीम इंडिया और बांग्लादेश। पहले नज़र डालते हैं कि टीम इंडिया के ऊपर, जैसे कि टीम मैनेजमेंट का कहना है कि वो उसी 11 प्लेयर के साथ जाएंगे जो प्रीवियस मैच में खेले थे, जिसमें आप देख सकते हो कि ओपनिंग में केएल राहुल और रोहित शर्मा तो आप देखते हो कि इस टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक 3 शतक जड़े इस टूर्नामेंट में, तो रोहित शर्मा बहुत ही शानदार फॉर्म में, हालांकि केएल राहुल फॉर्म से जूझ रहे, लेकिन वो बढ़िया प्लेयर है। उनको इंग्लैंड के साथ थोड़ी बैक इंजरी हुई थी, लेकिन वो बड़े प्लेयर है, जानते हैं कि इंजरी की बात कैसे परफॉर्म करते हैं। तो केएल राहुल है, देन विराट कोहली कंसेक्यूटिव 5 सेंचुरी मारी, हाफ सेंचुरी मारे इस टूर्नामेंट में, तो उनका भी एक रिकॉर्ड है। ऋषभ पंत प्रीवियस मैच में उन्होंने वर्ल्ड कप डेब्यू किया था, वो एक बढ़िया लय में नज़र आए थे, हालांकि एक बढ़िया कैच पे आउट हो गए थे। देन हार्दिक पांड्या आप सभी जानते हैं प्रीवियस मैच में बढ़िया खेले, थोड़े से सवाल जवाब उठाए जाते हैं धोनी के ऊपर, फिर भी वो एक मास्टर कैमियो उनका रहता है, मास्टर माइंड है। देन केदार जादव अच्छी ऑफब्रेक डालते हैं, हालांकि ज़्यादा टूर्नामेंट में बॉलिंग नहीं किया इस टूर्नामेंट में, फिर भी अच्छे ऑप्शन है। देन 4 जो हमारे गेंदबाज है जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में, शमी ने तो 3 मैच में
13 विकेट लिए हैं। जी हाँ, 13 विकेट उन्होंने चटकाए है। तो बहुत ही शानदार फॉर्म है मोहम्मद शमी। देन जसप्रीत बुमराह जो कि नंबर वन बॉलर है इंडिया के और वर्ल्ड में भी। एंड देन कुलचा की जोली, हालांकि इस टूर्नामेंट इस कल प्रीवियस मैच में उन्होंने बढ़िया परफॉर्म नहीं किया था, बट फिर भी वो एक बेस्ट ऑप्शन है फ्रॉम टीम इंडिया। अब नज़र डालते हैं कि कैसी होगी प्रोबेबल टीम बांग्लादेश की जो कि कल के मैच में उतरेगी। जहाँ तक बात की जाए उनके जो लिटन दास है वो पूरी तरह से टीम में अपना जो रोल है वो बहुत ही अच्छे तरह से निभा रहे हैं। ओपनिंग में आके भी बढ़िया स्टार्ट देते हैं। देन तमीम इकबाल आप सभी जानते हैं कि अगेंस्ट इंडिया खेलना वो बहुत पसंद करते हैं। देन सौम्य सरकार भी अच्छी लाइन में है, सौम्य सरकार अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे, तो बढ़िया ऑप्शन है सौम्य सरकार। देन उनके जो जो उनकी जो टीम जिन पर डिपेंड है वो है शाकिब उल हसन, इस टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है उनका। देन है मुशफिकुर रहीम, जी हाँ मुशफिकुर रहीम भी प्रीवियस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बहुत शानदार फॉर्म में नज़र आए थे। महमूदुल्ला भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, लोअर डाउन दी ऑर्डर एक जो कैमियो खेलते हैं उनका बहुत ही बेहतरीन रहता है। देन उनकी जो ऑफ ब्रेक गेंदबाजी वो भी अच्छी है, जैसे कि मैंने कहा विकेट है जो स्पिनर्स को हेल्पफुल मिलेगी, तो महमूदुल्ला भी बेस्ट ऑप्शन है। देन है मोसद्देक हुसैन, प्रीवियस मैच में बढ़िया बल्लेबाजी की थी, एक विकेट भी चटकाया था, तो वो एक बढ़िया ऑप्शन है। सैफुद्दीन हालांकि ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं बट फिर भी अच्छा ऑप्शन है, ज़्यादा विकेट उन्होंने चटकाया अभी तक बांग्लादेश के लिए, अराउंड 10+ विकेट उन्होंने चटका है इस टूर्नामेंट में अभी तक। मेहदी हसन मिराज अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, अच्छा ऑफ ब्रेक डालते तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। देन उनके कप्तान हालांकि कुछ खासा परफॉर्म नहीं कर पाए इस टूर्नामेंट में अभी तक, मेरे लिहाज से उन्होंने अभी तक 1 या 2 ही विकेट चटका है अभी तक इस टूर्नामेंट में, तो वो उनके तो कप्तान उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। देन है मुस्तफिजुर रहमान, जी हाँ मुस्तफिजुर रहमान अगेंस्ट इंडिया बॉलिंग डालना बहुत पसंद करते, विकेट छटकाते। तो ये होगी प्रोबेबल टीम फ्रॉम बांग्लादेश एंड इंडिया। अब नज़र डालते हैं कि कौन कौन से की प्लेयर होंगे फ्रॉम बोथ दी साइड। जहाँ तक की टीम इंडिया की बात की जाए तो उनके जो ओपनर है रोहित शर्मा, जो कि शिखर धवन इंजर्ड होने के बाद उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है और अभी तक इस टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 शतक उन्होंने जड़े हैं और लीडिंग रन स्कोरर है इंडिया की तरफ से, तो रोहित शर्मा पर सबकी नज़रें रहेंगी। हालांकि बांग्लादेश का भी कुछ प्लान रहेगा उनके अगेंस्ट, क्योंकि मुजीबुर रहमान की गेंद पर उन्होंने वो बोल्ड हो गए थे, बट वो भी चाहेंगे कि जो ओपनिंग उनकी है वो स्पिनर से अटैक शुरू करे, तो हो सकता है कुछ उनके लिए कुछ रणनीति बनाई हो टीम मैनेजमेंट के बांग्लादेश के। देन दूसरे है विराट कोहली, जैसे कि मैंने कहा अभी तक 5 अर्धशतक जड़ चुके इस टूर्नामेंट में कंसिक्यूटिवली, तो उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया अभी तक। देन है MS धोनी, जी हाँ MS धोनी, जैसे कि आप उनको क्रिटिसाइज़ करते हो बट बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, मेन मैच में जानते हैं कि कैसे परफॉर्म करना है, उनको वास्ट एक्सपीरियंस है, तो MS धोनी पर सबकी नज़रें रहेंगी। देन कुलदीप यादव, जी हाँ कुलदीप यादव प्रीवियस मैच में उन्होंने थोड़ा मार भी खाया था बट लेकिन उन्होंने विकेट भी चटकाई थी, तो कुलदीप यादव एक बेस्ट ऑप्शन है। मोहम्मद शमी, जैसे कि मैंने कहा जो उनको टीम में मौका मिला तो उसने मौके को पूरा भुनाया और अभी तक इस टूर्नामेंट में 3 मैचों में उन्होंने 13 विकेट चटकाए और वो लीडिंग विकेट टेकर है इंडिया की तरफ से। देन है जसप्रीत बुमराह, जी हाँ जसप्रीत बुमराह, देर इज नो अदर चॉइस अदर देन जसप्रीत बुमराह, तो वो एक बेस्ट चॉइस है। तो ये हो गया ऑल अबाउट इंडिया के की प्लेयर जो कि कल के मैच में बढ़िया परफॉर्म करेंगे। देन नज़र डाल दे की प्लेयर फ्रॉम बांग्लादेश, जी हाँ की प्लेयर में उनके जो स्टार्टिंग के जो तमीम इकबाल है, जैसे कि मैंने कहा ओपन करते हैं और अगेंस्ट इंडिया खेलना पसंद करते हैं, उनका जो 2007 वर्ल्ड कप में जो इंडिया के अगेंस्ट जो बल्लेबाजी की थी तो उधर से ही उन्होंने कहा जो कार्रवाई बहुत अच्छा चला चल तरह से चलता आ रहा है, अगेंस्ट इंडिया वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते, तो कल के मैच में वो भी की प्लेयर साबित हो सकते हैं फ्रॉम बांग्लादेश। देन जैसे कि मैंने कहा शाकिब उल हसन, अभी तक इस टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार खेले हैं, लीडिंग रन स्कोरर है फ्रॉम बांग्लादेश, देन लीडिंग विकेट टेकर है और बांग्लादेश, तो उनके ऊपर भी सबकी नज़रें रहेंगी। देन मुशफिकुर रहीम, वो भी अगेंस्ट इंडिया बल्लेबाजी करना बहुत पसंद करते हैं, तो कल के मैच में वो भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देन मुस्तफिजुर रहमान, सो ये मुस्तफिजुर रहमान बहुत अच्छा कटर डालते हैं, तो वेरिएशन के ऊपर उनका ज़्यादातर ये होता है दारोमदार, तो जैसे कि मैंने कहा विकेट स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल है, तो जो कि पेस में वेरिएशन करना इस विकेट पे कारगर साबित हो सकता है, हालांकि विकेट बैटिंग के लिए हेल्पफुल है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर इंडिया बैटिंग कर रहा है तो 300+ रन ज़रूर बनाएंगे। तो ये हो गया ऑल अबाउट कि कैसी है वेदर कंडीशन, कैसे है कैसा है पिच का मिजाज, देन कौन है पॉसिबल रिप्लेसमेंट, देन कैसी है प्रोबेबल टीम, कौन से की प्लेयर जिन पर सबकी नज़रें रहेंगी। अब हम नज़र डालते हैं कि
हम ड्रीम इलेवन के लिए, माई टीम इलेवन के लिए कैसे बेस्ट 11 प्लेयर सिलेक्ट करें फ्रॉम ऑल 22 प्लेयर्स, तो उस पर नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भारत बनाम बांग्लादेश जो कि कल मुकाबला होने वाला है बर्मिंघम में, उसके लिए हम अभी सिलेक्ट करेंगे टीम कैसी होनी चाहिए, तो मैं उसके लिए आपको सजेशन करूंगा। जैसे कि हम हमेशा देखते हैं कि जो हमारा पहला ऑप्शन होता है जो विकेट कीपर का, उसके लिए हम आपके पास दो चॉइस है, एक है मुशफिकुर रहीम और दूसरे हैं एम एस धोनी। जहाँ तक बात की जाए तो एम एस धोनी जैसे कि लोअर डाउन दी ऑर्डर आते, थर्ड या फोर्थ डाउन आते तो उनको कम गेंदे खेलने को मिलेगी अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो, फिर भी उनका रेयर चांस है कि वो आगे आके हिटिंग करे, क्योंकि हार्दिक पांड्या या ऋषभ पंत अगर टीम में रहेंगे तो उनके चांसेस कम है और नीचे आएंगे। तो मैं अगर उसको प्रेफरेंस करूँगा तो कल के मैच में वो होगी मुशफिकुर रहीम। जी हाँ, मुशफिकुर रहीम जैसे कि मैंने कहा कि कल के मैच में की प्लेयर में वो भी है और एम एस धोनी है, पर मैंने जैसे कि अभी कहा कि उनको कम गेंदे खेलने को मिलेगी एम एस धोनी को कम्पेयर टू मुशफिकुर रहीम, क्योंकि मुशफिकुर रहीम टू डाउन आते हैं तो उनको ज़्यादा गेंदे खेलने को मिल सकती है, तो वो एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा और दी एम एस धोनी। देन बारी आती है बल्लेबाजों की। जहाँ तक बात की जाए कि जैसे आपने देखा कि अभी तक अपने रोहित शर्मा एंड विराट कोहली बहुत ही शानदार टच में है, तो उनके अलावा आप किसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। देन मैंने कहा कि तमीम इकबाल इंडिया के साथ अगेंस्ट खेलना बहुत पसंद करते हैं, लिटन दास है जो कि बढ़िया लाइन में नज़र आए इस टूर्नामेंट में, महमूदुल्लाह, शब्बीर रहम, लोकेश राहुल है, ऋषभ पंत है, बट जो कि हमें अभी सिलेक्ट करना है बैट्समैन इनमें से, तो हम लोग जाएंगे एक है विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली अभी तक टूर्नामेंट में ज़्यादा कुछ मतलब शतक नहीं जड़ा उन्होंने, तो होप कि कल के मैच में वो शतक जड़े तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है फ्रॉम टीम इंडिया एज अ बैट्समैन के लिए। देन मैं जाऊँगा, नहीं मेरे पास ऑप्शन है तमीम इकबाल। जी हाँ, तमीम इकबाल अगेंस्ट इंडिया जैसे मैंने कहा बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, तो वो एक ऑप्शन है। देन मैं जाऊँगा लोकेश राहुल के साथ। जी हाँ, लोकेश राहुल भी एक बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो चाहेंगे कि कैपिटलाइज करें, प्रीवियस मैच में जीरो पे आउट हो गए थे तो वो उस मौके को भुनाना चाहेंगे जो कि अभी उनको बार बार मिलते जा रहे ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ शिखर धवन, तो वो एक अपने ऑप्शन हो गए लोकेश राहुल। देन मैं जाऊँगा ऋषभ पंत के साथ एज अ फोर्थ बैट्समैन, ये मेरे फोर्थ बैट्समैन हो गए। अगर आप किसी और एक को खिलाना चाहोगे तो आपके पास ऑप्शन है, तो आप रोहित शर्मा को भी सिलेक्ट कर सकते हो एज अ ऑलराउंडर, तो ये एज अ बैट्समैन, तो ये हमारे पांच बैट्समैन हो गए। अब आती है बारी ऑलराउंडर की। जहाँ तक आपने देखा कि शाकिब उल हसन एक बेस्ट ऑप्शन है आपको सिलेक्ट करना होगा, जिन पर सबकी नज़रें रहेंगी, जो कि कल के मैच में बहुत एक की प्लेयर हो सकते हैं। तो अभी दूसरी बारी है, हम हार्दिक पांड्या को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट कल के मैच में चांसेस है कि रविंद्र जडेजा आके उनको भी चांस मिल सकता है, बट मैं उनको अभी एक ही शाकिब उल हसन को सिलेक्ट करूंगा एज एन ऑलराउंडर। अब बारी आती है गेंदबाजों को सिलेक्ट करना। जहाँ तक जैसे कि मैंने कहा कुलदीप यादव कल के मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते, वो की प्लेयर है। मोहम्मद शमी जिन पर सबकी नज़रें रहेंगी, वो एक ऑप्शन है। देन मैं सिलेक्ट करूँगा जसप्रीत बुमराह को। जी हाँ, बुमराह एक बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपको बांग्लादेश में किसी एक को और सिलेक्ट करना होगा तो आपके पास मिराज का भी ऑप्शन है, आप मिराज को भी कर सकते हो, बट मैं जाऊँगा मुस्तफिजुर रहमान। जी हाँ, मुस्तफिजुर रहमान अभी यहाँ पे क्रेडिट का इशू है, तो आपके पास ऑफ चॉइस है, आप मुस्तफिजुर रहमान को भी कर सकते हो या फिर आप मिराज को भी कर सकते हो, या आपके पास सैफुद्दीन का ऑप्शन है। जी हाँ, सैफुद्दीन का भी आपके पास ऑप्शन है या फिर मिराज का। अभी मैं क्रेडिट का इशू हो रहा है अपने पास, अभी तो 7 पॉइंट क्रेडिट 5 ऑप्शन बचे हैं, तो मैं रोहित शर्मा को यहाँ से स्किप करता हूँ, मैं यहाँ पे लिटन दास को इंक्लूड करता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है मुस्तफिजुर रहमान का। ये हो गया, हमने सिलेक्ट कर लिए 11 प्लेयर फ्रॉम बोथ दी साइड। अब नज़र डाल दें कि कैसा है हमारा प्रीव्यू। जहाँ तक बात की जाए तो हमने मुशफिकुर रहीम को सिलेक्ट किया है और दी एम एस धोनी पांच बैट्समैन को खिलाया है जो कि कल के मैच में की प्लेयर साबित हो सकते हैं। देन एक ऑलराउंडर जो कि है शाकिब उल हसन, एंड देन चार गेंदबाजों को खिलाया, जिसमें से हमारे तीन
जो की बॉलर है, और एक मुस्तफिजुर रहमान जो कि अगेंस्ट इंडिया बॉलिंग डालना पसंद करते हैं, बढ़िया कट्टर ऑप्शन डालते हैं। देन अब बारी है कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्ट करने की। जैसे कि हमेशा मैं कहता हूँ कि तीन चॉइस फॉर कैप्टन और तीन चॉइस फॉर वाइस कैप्टन, तो पहली बारी आती है कैप्टन सिलेक्ट करने की। तो कैप्टन के लिए आपके पास चॉइस है, एक है विराट कोहली को आप कैप्टन कर सकते हो, देन दूसरा है शाकिब उल हसन को आप कैप्टन कर सकते हो, और तीसरा है आप मोहम्मद शमी को कैप्टन कर सकते हो। जी हाँ, तीन चॉइस है आपके पास, विक है विराट कोहली, दूसरे है शाकिब उल हसन और तीसरे है मोहम्मद शमी। तो ये हो गया ऑल अबाउट कैप्टन। अब बारी आती है वाइस कैप्टन सिलेक्ट करने की। आप मुशफिकुर रहीम के साथ जा सकते हो। जी हाँ, मुशफिकुर रहीम बेस्ट ऑप्शन है एज अ वाइस कैप्टन। देन आपके पास एज अ वाइस कैप्टन के लिए चॉइस है आप जसप्रीत बुमराह या फिर कुलदीप यादव में से किसी एक को कर सकते हो। तो मैं जाऊँगा कुलदीप यादव को मैं सिलेक्ट करूँगा एज अ वाइस कैप्टन, और अगर बल्लेबाजों में से किसी एक को करना होगा तो मैं लोकेश राहुल को सिलेक्ट करूँगा एज अ वाइस कैप्टन। तो ये हो गया ऑल अबाउट कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। तो एज पर कंडीशन आप वाइस कैप्टन और कैप्टन सिलेक्ट कीजिए और खूब ज़्यादा इनाम जीतिए। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन बाय।